द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जो नतीजे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ ही देर में वो ऐसे हो जाएंगे जिससे आपको बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि नीतीश की बात तेजस्वी ने पहले ही कही थी और तेजस्वी की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है, क्योंकि वो तस्वीरें और नीतीश को लेकर बातें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं, राहुल गांधी पीएम पद से दावा छोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन के लिए मेहनत की थी। विपक्षी गठबंधन को लेकर विपक्षी नेताओं से बैठक करने का सिलसिला नीतीश कुमार ने ही शुरू किया था, और नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो पलटी मारने में देरी नहीं करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने के लिए पलटी मार सकते हैं, तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए तो संदेह ही पैदा नहीं होता। वो स्वयंभू की तरह आकर खड़े हो जाएंगे और कह देंगे हाँ मैं पलटी मार रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में सभी जानते हैं। अब उसके बाद सबसे बड़ा यह है कि नीतीश कुमार तो आ जाएंगे, इसके साथ और कौन कौन से नेता हैं जो इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं, इंडिया की ताकत को आगे बढ़ा सकते हैं और बीजेपी को इस बार सरकार बनाने से रोक सकते हैं। उसमें चंद्रबाबू नायडू का भी नाम सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनसे बातचीत की है और संपर्क किया है, और वो भी इंडिया गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर अभी चल रही है, लेकिन इन खबरों में दम है। अगर आप नीतीश कुमार के एंगल से इस खबर को देखेंगे तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने के लिए गठबंधन बदल सकता है, वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जैसा ऊंचा पद पाने के लिए क्यों नहीं बदल सकता है। और राहुल गांधी के हवाले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पीएम पद पर दावा छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार के लिए। INC न्यूज की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, जो तस्वीर दिखाई जा रही नीतीश कुमार और राहुल गांधी की, उसमें लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी को पीएम पद देने को तैयार हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। अभी टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो लगभग 225 के आसपास दिखाया जा रहा है इंडिया गठबंधन को, और 298 दिखाया जा रहा है एनडीए गठबंधन को। लेकिन जब ये दो बड़ी पार्टियां अपने आप को उससे अलग कर लेंगी तो इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से जेडीयू 15 सीटों पर आगे चल रही है और TDP की बात करें तो 16 सीटों पर आगे चल रही है। 16, 15, 31 सीटों का यह बड़ा अंतर, और 31 सीटों का अंतर सरकार बनाने में बड़ा हेरफेर भी कर सकता है। तो आप इस बात को बखूबी समझिए किस तरीके से नीतीश कुमार पर जो बयान तेजस्वी यादव का पहले आया था, वो बयान अब सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाचा से नाराजगी किसी बात को लेकर नहीं है, ये नीतीश कुमार के बारे में पहले ही तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि हम चाचा के साथ चलना चाहते हैं, चाचा गरीबों पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई, हम लोगों ने जो काम किया है वो बिहार में किसी ने भी करके नहीं दिखाया है। तो अब नीतीश कुमार के प्रति जो एक सौहार्दता का भाव तेजस्वी यादव की तरफ से था, कभी भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कटुवचन नहीं बोले, तो वो सॉफ्ट पैनल अब एक रास्ता बना रहा है नीतीश कुमार के फिर से इंडिया गठबंधन में आने का। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के बैकग्राउंड को देखेंगे, नीतीश कुमार ने इतनी ज्यादा मेहनत की, बड़े बड़े नेताओं से जाकर मुलाकात की थी, एक विपक्षी बड़ा गठबंधन तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रोजेक्ट किया जाएगा ईमानदार वर्सेज ईमानदार की छवि वाले नेता के रूप में, तो फिर मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चले गए थे, लेकिन फिर से वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। और यही बात दावे के साथ हर कोई कह रहा है, बिहार की जनता भी कह रही, देश की जनता भी कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री के लिए वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है, और यही बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है कि अब बीजेपी आखिरकार क्या करे, क्योंकि ये दो पार्टियां जो है वो बहुत बड़ा जो है फेरबदल कर सकती हैं। जो अभी आंकड़े आप देख रहे हैं उन आंकड़ों में बदलाव हो जाएगा, अभी एक डेढ़ से दो घंटे के अंदर नतीजों में जब परिवर्तित होंगे तो स्थितियां सामने आएंगी। और जो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू की बात करें, TDP की बात करें, इनके आने से भी इंडिया गठबंधन का ग्राफ पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।